नमस्कार, आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर गुड स्लीप एट नाइट। जिन लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, कई बार वो स्लीपिंग पिल्स का सहारा ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लीपिंग पिल्स लेकर ये कन्वीनियंस को हासिल करना और सो जाना, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि स्लीपिंग पिल्स स्पेसिफिकली आपके लिवर और किडनीज़ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आयुर्वेद में कह लें, एक ऐसी रेमेडी है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पे मैंने इसको आजमाया हुआ है और बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है केसर। नींद के लिए केसर बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन इसको लेने का तरीका सही होना चाहिए फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। और जिस मीडियम के थ्रू हम लेते हैं वो भी सही होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको केसर को कैसे कंज्यूम करना है ऑन अ डेली बेसिस। जो केसर का 1 ग्राम का जो डब्बा होता है ना, ये आपका 20 दिन चलेगा। मतलब 50 मिलीग्राम केसर आपको एक डोज में लेना है। क्या करना है कि 1 कप पानी को गर्म कर लीजिए। जब ये उबलने लगे तो गैस स्टोव को स्विच ऑफ कर लीजिए और इस पानी को एक कप में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसमें 0.05 ग्राम या फिर 50 मिलीग्राम केसर ऐड करेंगे। ये कितना होता है? अगर 1 ग्राम का केसर का डब्बा है तो उसमें जितना भी केसर के स्ट्रैंड्स हैं उनको हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट 1/20 ऑफ 1 ग्राम इज 50 मिलीग्राम और 0.5 ग्राम, 6-7 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर आएगा उसमें। तो इस गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में केसर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, चम्मच से हिला लेंगे। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप सोने जा रहे होंगे रात को, बिफोर गोइंग टू स्लीप, आपको इसको चाय की तरह धीरे धीरे सिप लेके पीना है। दिस इज़ अ नेचुरल स्लीप रेगुलेटर। नेचुरल स्लीप रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा नहीं है कि अनिद्रा ऐसी है कि नींद आती ही नहीं है और बिना स्लीपिंग पिल्स के आप सो नहीं सकते। अगर वो एक्सट्रीम कंडीशन है फिर तो ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में नेचुरल थेरेपी काम नहीं आता है। लेकिन अगर आप स्लीपिंग पिल्स नहीं ले रहे हैं लेकिन आपकी नींद किसी वजह से पूरी नहीं हो रही है, मे बी ड्यू टू सेरेब्रल हाई सेरेब्रल एक्टिविटीज़ और अदरवाइज आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इस बात को समझिए कि सालों से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। और जब मैं बोलता हूँ कि सैफरन इज़ अ नेचुरल स्लीप रेगुलेटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन अगर आप मान लीजिए 7 घंटे की नींद लेते हैं लेकिन उसमें से क्वालिटी नींद आपको 1 घंटे की भी नहीं आती है, कच्ची नींद है या फिर जो भी रीज़न है कि आप भारी भारी लगता है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो ये सालों से पूरी नहीं हुई है। नेचुरल स्लीप रेगुलेटर का मतलब कि अगर आपको नींद 15 मिनट की गहरी आती है रोज़ रात को, तो वो ड्यूरेशन स्ट्रेच होगा, वो आधा घंटा हो जाएगा, कुछ दिन में वो 1 घंटा हो जाएगा, फिर आप 1.5 घंटे की स्लीप साइकिल में आ जाएंगे, जिसके बाद रेम होता है, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हम सपने देखते हैं। खैर वो सब अलग टॉपिक है, यहाँ डिस्कस नहीं करते। ये आपके स्लीप ड्यूरेशन को नेचुरली बढ़ाता है। अगर आप 6 घंटे सोते हैं उसमें से 3 ही घंटे आपको ठीक तरह से नींद आती है, तो जब आप ये केसर वाटर लेना शुरू करेंगे बिफोर यू गो टू स्लीप, गर्म गर्म पीना है चाय की तरह सिप बाई सिप सोने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपको हल्का महसूस होता है उठने के बाद। इसका मतलब कि अगर 3 घंटे आप सो रहे थे तो अब आप 4 घंटे सोने लगे हैं गहरी नींद में। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ रोज़, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है, तो क्या मैं स्लीपिंग पिल्स को बंद कर दूँ और ये केसर वाला पानी लूँगा तो मेरी नींद ठीक हो जाएगी? विल दैट बी इक्विवेलेंट? नो, इट वॉन्ट बी इक्विवेलेंट। हाँ, अगर आपको नेचुरल रेमेडीज़ पे स्विच करना है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि स्लीपिंग पिल्स के जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिवर और किडनीज़ के लिए डैमेजिंग है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू स्विच टू सम नेचुरल रेमेडीज़। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें और हैं जो आपको करनी चाहिए। पहली बात कि साथ में आपको ढेर सारे फ्रूट्स रोज़ सुबह खाने चाहिए नाश्ते के टाइम। इफ़ यू ईट ओनली फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट, दैट इज़ द बेस्ट सिनारियो।
दूसरी बात कि हरी पत्तियां आपको ढेर सारी खानी चाहिए। आप चाहे रोज 2 चम्मच हरी चटनी खाइए या फिर एक पालक का सूप मैंने बोला था वो पिया कीजिए, तो दैट विल हेल्प। और तीसरी बात कि आधे घंटे की धूप आपकी बॉडी को चाहिए। धूप जो सनलाइट होता है दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल स्लीप रेगुलेटर। तो अगर आधा घंटा आप ये सुनिश्चित करें हर दिन कि आप धूप में बिताते हैं तो नींद अच्छी आती है, एंजाइटी भी कम होती है। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने इस बात को टच किया है, डिस्कस किया है। तो अगर आप स्लीपिंग पिल्स को बंद करना चाहते हैं तो फ्रूट्स खाइए, ढेर सारे ग्रीन लीव्स खाइए, आधा घंटा धूप में रहिए और आपको 0.05 ग्राम नहीं 0.1 ग्राम यानी कि 100 मिलीग्राम से शुरू करना होगा। करना ये होगा कि आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं उसको अभी बंद नहीं करना है। आप इस सैफरन वाटर को स्टार्ट करिए और 10 दिन तक लगातार लेने के बाद आप स्लीपिंग पिल्स को आधा कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से आप यू शुड मॉनिटर योर स्लीप और धीरे धीरे उसको टेपर डाउन करके या तो पावर कम कर लीजिए या टैबलेट को आधा कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसको टेपर डाउन करके वीन ऑफ कर सकते हैं। तो लेकिन जिन लोगों को स्लीपिंग पिल्स की हैबिट नहीं है फिर भी नींद कच्ची कच्ची रह जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। मैंने इसको बारंबार कई बार अप्लाई होते हुए देखा है और रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए देखा है। कुछ नहीं करना है, एक कप गर्म पानी में 0.05 ग्राम केसर, उन लोगों के लिए जो लोग मेडिसिंस नहीं लेते हैं, और जो मेडिसिंस लेते हैं उनके लिए 0.1 ग्राम मतलब 100 mg सॉरी। तो वो मिक्स करना है, सिप लेके धीरे धीरे पीना है और सो जाना है। नोटिस करेंगे कि नींद की क्वालिटी बेहतर हो रही है, एकदम से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होगा। स्लो काम करता है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई, और अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं किसी भी तरह का तो आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे और संभवतः आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।